अच्छे तलफ्फुज और अच्छी किरत से कुरान की आयतों को सुनाने पर उलमा के हाथों बच्चों को मिले तोहफे। मस्जिद काजी साहब बख्शी बाजार में कम उम्र के बच्चे व बच्चियों के मसाबका हिफ्ज सूरह हम्द, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह नस्र, सूरह काफिरुन, सूरह कौसर, सूरह माउन, सूरह कुरैश, सूरह फेल, सूरह हमजा, सूरह असर, सूरह तकासर, सूरह इन्ना नज़लना का एक माह तक मदरसा इबादत खाना करैली व मस्जिद काजी साहब बख्शी बाजार में उलमा की रहनुमाई में लगभग तीन दौर का मुकाबला रखा गया था। दो दर्जन से अधिक पाँच वर्ष से दस वर्ष तक के बच्चे व बच्चियों ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख रूप से अली हैदर, मोहम्मद कुमैल, मोहम्मद तकी, अम्मार रज़ा, मिसबा हैदर, आबिद अब्बास, मोहम्मद असद, मोहम्मद अली जैदी, अमना जहरा, अहसन अब्बास, मिज़ान हैदर, कुलसूम फातमा, सादिक रज़ा, नवाब हुसैन, वसी हैदर, मोहम्मद अली, अली रज़ा रिजवी समेत कुल सत्रह बच्चों को सेमीफाइनल मुकाबले के लिए चुना गया। फिर उनमें फाइनल मुकाबला हुआ, जिनको जज करने के लिए मौलाना जवादुल हैदर रिजवी, मौलाना मोहम्मद ताहिर, मौलाना मोहम्मद हैदर फैजी मौजूद रहे। मौलाना ताहिर ने कुरान की आयतों को बीच बीच से तोड़कर पूछा तो बच्चे उसे भी सुनाने में सबको आश्चर्य में डाल दिए। ऐसे में रहमतंगा करैली के मिसबा हैदर पुत्र औसाफ हैदर प्रथम, मोहम्मद तकी द्वितीय व मोहम्मद अली जैदी को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्टिफिकेट, मेडल, दीनी तालीम की किताबें, टिफिन बॉक्स, वाटर कूल बॉटल, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और तरह तरह के तोहफों से सम्मानित किया गया। मस्जिद काजी साहब के मुतावल्ली शाहरुख काजी, मसूद हुसैन आबदी व जुल्फिकार हैदर द्वारा प्रथम द्वितीय व तृतीय आए बच्चों सहित सभी प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। इस मौके पर मौलाना सरफराज हुसैन, मौलाना रज़ा अब्बास जैदी, जुल्करनैन आबदी, फरमान रज़ा, इनाम नकवी, डॉक्टर सैयद मजहर अब्बास, अली हुसैन पप्पू, राशिद रिजवी, सियादैन नकवी, कमर अब्बास रिजवी, अमन जायसी, सैयद मोहम्मद अस्करी, जामिन हसन, जरगाम हैदर, जफरुल हसन आदि शामिल रहे। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان